हाय दोस्तों, जीनियस चाइल्ड के हैप्पीनेस कोर्स में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम देखेंगे पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये बड़ा ताकतवर टॉपिक है दोस्तों, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा और इसे यदि आपने समझ लिया तो ऑटोमेटिक ये आपके साथ होगा कि आप इसका उपयोग शुरू कर देंगे। ठीक है, हैप्पीनेस कोर्स में क्या किया जाता है, इंफॉर्मेशन प्लस ट्रेनिंग दी जाती है। यदि यह कोर्स आप ज्वाइन करते हो तो इसमें हम इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराएंगे, ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके जीवन को बेहतर बनाएगी, साथ में ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग का अर्थ है कि इन सारे पॉइंट्स को हम आपकी हैबिट में डेवलप करेंगे, मीन्स इतनी हैमरिंग करेंगे कि आपके माइंड में ऑटोमेटिक इनकलकेट हो जाए। और जिस तरह से आप हैबिट के वशीभूत होकर काम करते हो, आपकी सफलता के लिए, आपके सपनों के लिए आप उसी तरह से काम करोगे। तो चलिए देखते हैं पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जीनियस चाइल्ड के हैप्पीनेस कोर्स में यह फिफ्थ पॉइंट है, सिलेबस में पांचवा टॉपिक है। तो देखें पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। देखिए, माइंड होता है एक कॉन्शियस होता है, हम जो कुछ सामने काम करते हैं वो सब कॉन्शियसली करते हैं। वो जो पीछे से ऑटोमेशन में होता है, मतलब हम जो काम, बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारी हैबिट हो जाती है। हैबिट का मतलब क्या है कि हम वो ऑटोमेटिक काम करते हैं, वो कहां से करते हैं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को हम हमारी हार्ड डिस्क भी बोल सकते हैं या हमारी मेमोरी भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये मेमोरी बनती कैसे है, सबकॉन्शियस माइंड बनता कैसे है? तो ये बनता है तीन ई से, एजुकेशन, एनवायरमेंट और एक्सपीरियंस। मीन्स आपकी जो एजुकेशन है, जो एजुकेशन का बैकग्राउंड रहा है, वहां से आपने जो सीखा है वो सबकॉन्शियस माइंड है। मीन्स आप जो कुछ भी काम करते हो, जो कुछ भी डिसाइड करते हो, वो इन्हीं के आधार पे करते हो। तो पहला हो गया एजुकेशन, दूसरा होता है एनवायरमेंट। आप जहां रहते हो, आपके घर परिवार का माहौल कैसा है, आपके समाज का, आपके देश का माहौल कैसा है, उसके अनुसार आपका माइंड डेवलप होता है। ठीक है, लास्ट है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का अर्थ है कि एजुकेशन और एनवायरमेंट के से जो आप सीखे हो उसका उपयोग करके जब आप कोई चीज सीखते हो तो वो एक्सपीरियंस कहलाता है। तो आपकी एक्सपीरियंस में जो कुछ चीज है उसी के आधार पर तो आप निर्णय करोगे। यदि किसी व्यक्ति ने आपको हानि पहुंचाने की कोशिश की है तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसके प्रति एक्सपीरियंस क्या है कि यह आदमी मुझे हानि पहुंचा सकता है, तो आप उस आदमी से बचने की कोशिश करोगे। ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें आपको नुकसान हुआ है या आपके किसी आस पड़ोस के व्यक्ति को नुकसान हुआ है, तो आप उस सिचुएशन से बचने की कोशिश करोगे, यही तो एक्सपीरियंस है। जैसे कहा भी गया है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। अरे ये तो ऑटोमेटिक होगा, जब आप बुरा देखोगे नहीं, बुरा सुनोगे नहीं, तो आपके माइंड में कुछ गया ही नहीं, बुरा देखा भी नहीं, बुरा सुना भी नहीं। जब आपके माइंड में बुरा गया ही नहीं है तो आप बुरा बोल कैसे सकोगे, यही तो सबकॉन्शियस माइंड है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड की एक बुरी बात भी है कि यदि इसके अंदर कोई चीज चले गई है तो इसे हम हटा नहीं सकते, लेकिन अच्छी बात यह कि हम इसे ओवरलैप कर सकते हैं। तो बचपन में जो कुछ भी आपके साथ एजुकेशन, एनवायरमेंट और एक्सपीरियंस के साथ रहा हो, लेकिन हम अच्छे एक्सपीरियंस के साथ उसको कंपेयर करके उसको ओवरलैप किया जा सकता है। ठीक है, अब एक स्टोरी के माध्यम से इसको और आसानी से समझो। जंगल है, जंगल में बहुत सारे मेंढक एक साथ जा रहे हैं, एक काल्पनिक कहानी है, ध्यान रखिएगा, कहानी से हमको लर्निंग सीखनी है कि लर्निंग क्या है। तो जंगल है, जंगल में बहुत सारे मेंढक एक साथ जा रहे हैं और एक गड्ढा आता है, उस गड्ढे में तीन मेंढक गिर जाते हैं। अब जब तीन मेंढक गिर जाते हैं तो गड्ढा काफी गहरा है, तो बाहर वाले मेंढक अंदर वाले मेंढक को बोलते हैं, अंदर वाले मेंढक प्रयास करते हैं बाहर आने का, तो बाहर वाले चिल्ला के बोलते हैं कि देखो तुम अंदर गिर गए हो, ये गड्ढा काफी गहरा है, तुम्हारी इतनी क्षमता नहीं है कि तुम जंप करके बाहर आ सको। तो एक मेंढक उसमें से ये बात सुन लेता है और वो प्रयास करना बंद कर देता है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि अब मैं प्रयास करूंगा भी तो कोई फायदा नहीं है, मैं बाहर नहीं आ सकूंगा। दो मेंढक फिर से छलांग लगाते हैं, फिर गिर जाते हैं। तो बाहर से फिर ये लोग बोलते हैं कि जब हम बोल रहे हैं तुमको कि अब तुम बाहर नहीं आ सकते हो, तो बेवजह की तकलीफ क्यों उठा रहे हो, शांति से उस कुएं में ही, उस गड्ढे में ही रहो, और जितने दिन जीवन चले चलाओ, बाकी वहीं मर जाओ। ठीक, तो दूसरा मेंढक भी ये बात सुन लेता है और वो भी अपना प्रयास करना बंद कर देता है। लेकिन तीसरा मेंढक अभी भी प्रयास कर रहा है, बाहर वाले फिर से चिल्लाते हैं कि देखो हम बोल रहे हैं कि आप प्रयास बंद कर दो, अपने आप को नुकसान कर लोगे, तुम घायल हो जाओगे, तुम निराश होगे फिर कि मैंने प्रयास किया फिर भी नहीं मिला, तो इससे बेहतर है कि तुम प्रयास ही मत करो। तीसरा मेंढक अब अपनी पूरी ताकत लगा के फिर से जंप करता है, वो इस बार वो बाहर आ जाता है।
अब जो वो बाहर आ जाता है तो सारे मेंढक चिल्लाने लगते हैं कि अरे वाह तुमने बहुत सही जंप किया और तुम बाहर आ गए। लेकिन वो मेंढक एक साथ उससे पूछते भी हैं कि क्यों भाई जब हम तुमसे बोल रहे थे कि प्रयास मत करो प्रयास मत करो, तुम हार जाओगे घायल हो जाओगे तुमको नुकसान हो जाएगा तुम्हें निराशा आएगी हार कर, तो तुमने प्रयास बंद क्यों नहीं किए। तो उस मेंढक ने हैरानी जताते हुए इशारों में कहा, क्या कहा, इशारों में समझाया कि मैं तो जन्म से ही गूंगा हूं बहरा हूं, जब बहरा हूं तो मैं सुन ही नहीं सकता, सुन ही नहीं सकता तो मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं। मुझे ये लगा कि तुम सब चीयर कर रहे हो, बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि यस यू कैन डू, तुम कर सकते हो, तुम कोशिश करो, तुम एक बार और कोशिश करो तुम बाहर आ जाओगे, और मैंने बस इसका उपयोग किया और बाहर आ गया। अब आप उन तीनों की मानसिक दशा समझने की कोशिश करो। जो बाहर आया मेंढक उसकी मानसिक दशा मतलब उसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या पड़ा हुआ था कि लोग चीयर करते हैं आगे बढ़ाने की प्रोसेस को अपनाते हैं। दो मेंढक के सबकॉन्शियस माइंड में क्या पड़ा हुआ था कि लोग असफल ज्यादा हैं इसलिए वो क्या देते हैं राय, ये देते हैं कि तुम कोशिश मत करो। और आप अपने आसपास के समाज में यदि ध्यान पूर्वक सोचने की कोशिश करोगे दोस्तों, तो मैक्सिमम लोग वो सलाह दे रहे हैं जो उन्होंने कभी उपयोग नहीं की। यदि मैंने कभी प्रयास ही नहीं किया तो सफल होने की तो संभावना ही नहीं है। अब यदि मैं सफल नहीं हुआ हूं तो मैं क्या कहने लगूंगा कि सफलता मिलती नहीं है। और यही होता है कि समाज में मैक्सिमम लोग इसे ही सुन लेते हैं, आसपास के लोगों को असफल लोगों को ही एवरेज लोगों को ही देख लेते हैं और बस वो प्रयास करना बंद कर देते हैं। और यही होता है कि मैक्सिमम लोगों का जीवन जो है वो औसत है। यदि आप अपना जीवन औसत नहीं रखना चाहते हो तो ऐसे लोगों को सुनना शुरू करो, ऐसे लोगों को देखना शुरू करो जिन्होंने असाधारण सफलता हासिल की। वो कैसे होगा, इंफॉर्मेशन प्लस ट्रेनिंग से होगा। बार बार कोई चीज यदि आप अच्छी चीज सुनोगे बार बार देखोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या होगा, ऐसी ताकत आ जाएगी अंदर, ऐसे थॉट आ जाएंगे जिसके आधार पे आपकी एक्शन बदल जाएगी, आपके एक्शन करने की जो स्पीड है एक्सिलरेशन है वो बदल जाएगा। और यदि वो बदल गया तो नेचुरल है कि सफलता आपके पास आकर रहेगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये फोर्थ नंबर सबकॉन्शियस माइंड समझा हमने, इसकी ये बड़ी ताकत है। जोसेफ मर्फी साहब की एक बुक भी है इसी पे, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो ज्यादा गहरे जाने की जरूरत नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा टेक्नोलॉजी में टेक्निकल वर्ड है तो ज्यादा समझ में नहीं आता है, समझने का ज्यादा प्रयास भी नहीं करना है। सिंपल समझना क्या है कि अच्छा देखना है अच्छा सुनना है ताकि हम भी अच्छा कर सके। ये एक्सक्यूज नहीं देना है कि मेरी एजुकेशन खराब रही या मेरा एनवायरनमेंट खराब था तो मैं नहीं कर सकता, मेरे एक्सपीरियंस खराब है तो मैं नहीं कर सकता, ये एक्सक्यूज नहीं देना है। इन सबको क्या कर सकते हैं, हम ठीक कर सकते हैं। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं जीनियस चाइल्ड का मेरा नंबर देता हूँ, सुभाष जोशी, आप फोन करो व्हाट्सअप करो, अपनी समस्या सुलझाओ, जीवन में आगे बढ़ो, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि जीवन में आगे बढ़ो, बेहतर जीवन जियो, ढेर सारी खुशियां आपका वेट कर रही है, उन सबको जियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक किया करो, उसमें लिंक दी गई है, उस लिंक पे क्लिक करके बहुत सारी चीजें आप पढ़ सकते हो मेरी वेबसाइट पर BadiSuccess.com पर। प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित भी कोई पढ़ाई आपको करना है तो वहां से की जा सकती है। यदि आपको लगता है कि यह वीडियो किसी की हेल्प कर सकता है तो उसके साथ इसे आप शेयर करो। क्यों, क्योंकि ये अच्छी चीज है, देखने में सुनने में लोगों को फायदा पहुंचा रही है, तो फायदा पहुंचाने की चीज को हमें शेयर करना चाहिए। थैंक यू।